कहा कि एक विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो प्रधानमंत्री नहीं बनी? प्रधानमंत्री नहीं बनना सेक्रीफाइस करके मैं नहीं मानता हूँ। सेक्रीफाइस करना वो होता है कि जो देश के लिए जान देता है। जो आदमी हाथ में आई हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, उस व्यक्ति को भी आप सेक्रीफाइस नहीं? हाथ में नहीं आई थी, गलतफहमी में है आप लोग, हाथ में नहीं आई थी। देखिए, उनको राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, सारे दलों ने उनको अपना नेता चुना था। ये तो आपका ऑब्सेशन है सोनिया गांधी के प्रति कि आप ऐसा सोचते हैं? मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, मेरा इतना गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए है कि वो झूठ बोलने में बहुत होशियार है। उन्होंने जहाँ इलेक्शन के समय आपको आपका पढ़ाई कितनी है ये सारी चीज़ों को लिख कर देना होता है, आपके आमदनी क्या है या आदि आदि ये लिख कर देना पड़ता है, मात्र नहीं बल्कि ये एफिडेविट करके देना पड़ता है। इन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी है, पिछले बार भी इन्होंने ऐसा ही झूठ लिख कर दिया था। और जब उसको उठाकर बता दिया तो ये कहा गया कि वो टाइपिंग एरर हो गया, कि ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, ये टाइपिंग एरर हो गया। तो इनको झूठ भी सही ढंग से बोलना नहीं आता था। आपने क्या किया? आपने ऐसे जो नेता जो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, चंद्रशेखर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन सबको इकट्ठा करके मोर्चा बनाया सोनिया गांधी के खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। ये राष्ट्र का स्वाभिमान को जहाँ चोट लगती है तो उसको चोट होने नहीं देने। जो सब राष्ट्र का स्वाभिमान आपको तब सोचना चाहिए था, 6 साल आप सरकार में थे, उसके पहले से इस बात को लेकर के NDA के पार्टनर्स जिसमें आप खास थे, ये कहते थे कि एक फॉरेन ओरिजिन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं कानून पास किया? ये हमारे सरकार ने बड़ी गलती की, ये कानून पास होना चाहिए था। लेकिन अखबारों में छपता है कि जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं उस पार्टी में आपकी नहीं चलती। ये तो अखबारी बातें हैं, अखबारी बातें हैं। हम मानते हैं कि जहाँ खानदानी चलता है मामला तो वहाँ पर ये सब बातें हो सकती हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ तय करे और उसको सब लोग मानकर चलें। हमारे पार्टी में एक व्यक्ति कोई तय नहीं करता है। मैं देखा आपसे हम कुछ भी सवाल पूछ लें आप उसको घुमा फिरा कर सोनिया गांधी पर ले आते हैं। नहीं, सोनिया गांधी पर नहीं, ये तो एक व्यक्ति की बात नहीं है। खानदानी राजनीति हमारे देश में जिस तरह से चल रही है, या अगर चलते रहे तो कहाँ जाएगा ये देश? क्यों इतनी आपकी ज़्यादा नाराज़गी है सोनिया गांधी से? ये तो आप लोग क्यों इतना सोनिया गांधी पर बोलते हो? मैं उनका नाम भी नहीं लेता हूँ तो आप ही लोग उनका नाम ले कर चला रहे हो।